हेलो गाइस, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल। गाइस, या मैं आज आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। गाइस, इसकी जो वायर है वो टूट गई है, तो उसे कैसे रिपेयर करें। ये ट्रांसफार्मर 12V 012 का ट्रांसफार्मर है, 2A का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। तो इसे कैसे, सबसे पहले इसके जो चारों पिंस को निकाल के इस तरह ट्रांसफार्मर को निकाल लें बॉडी से। इसके बाद इसकी कवर को निकाल लें, आप जैसे देख रहे हो उस तरह करके निकाल लेना है। इस तरह मैंने निकाल लिया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक वायर टूट गई है और दूसरी भी टूट पड़ी है, थोड़ी बहुत है। या आप यहाँ से टेप लगी है वहाँ से आप निकाल सकते हो, वहाँ से नहीं निकलती है तो आप इसके जो ब्लैक कलर के पेपर टाइप के हैं उसे आप कोई चीज़ से ब्लेड या तो पेचकस की मदद से उसे काट दें। और इसके बाद उस तरह मोड़ के इसके इसमें दो वायर निकलेगी फ्रेंड्स, जहाँ से हमारी ब्लैक वाली वायर निकली थी, ये 12V सप्लाई देती है, वहाँ से निकलने के बाद फ्रेंड्स अब ये दो को वायर देख रहे हो आप, उसमें से हमें दो वायर निकाल लेना है। इसमें से दोनों वायर को हमें निकाल लेना है फ्रेंड्स। इस तरह करके इस पर दो वायर के टुकड़े को लेके इस तरह दो वायर के टुकड़े को ले लें और इस पे से निकाल लिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से देख ले फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये दोनों वायर को इस तरह करके बांध के इसमें मोड़ के इस पर हमें शोल्डर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छी तरह से शोल्डर कर दे। इसके बाद इस पे जो फाइबर ग्लास पाइप होती है, वो जो स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह में लगी रहती है, जो वायर को हीट होने ना देती है, वो पाइप को इसमें छोटे छोटे टुकड़े में करके लगा देना है आपको। मैं देखिए फ्रेंड्स लगाता हूँ, शोल्डर अच्छी तरह से पहले कर दें, इसके बाद मैं लगाऊँगा इस पर। ये पाइप वही फाइबर स्टील ग्लास पाइप फेंस, इसे दो छोटे छोटे टुकड़े में कर दें। ये आपको 5 रुपये या 6 रुपये में 1 मीटर लंबी मिल जाएगी, ठीक है फेंस। इसे हमें इस पर इस तरह करके अच्छी तरह से लगा देना है। अच्छी तरह से इस पर लगा दें जिससे वायर शॉर्ट ना हो। इस तरह करके, और इसमें मास्किंग टेप जो होती है वो पेपर वाली मास्किंग टेप, उस पर हमें यूज करना है, क्योंकि इससे हीट होगी तो ये टेप उखड़ेगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से मार दें टेप, इसके अच्छी तरह से इस तरह ब्लैक वाले कवर को भी लगा के टेप मार दें। इसके कवर को जिस तरह है उस तरह पे आपको लगा देना है फ्रेंड्स। तो मैं कवर को लगा देता हूँ। इस तरह करके कवर्स को लगा दे दोनों कवर को, और फिर उसी तरह करके मैं लगा देना और ये ट्रांसफार्मर ओके हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके ट्रांसफार्मर में इस तरह वायर, कोई भी वायर टूट जाती है, तो आप इस तरह करके उसे रिपेयर कर सकते हो घर पर खुद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो गाइस, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए गाइस, इसे अच्छी तरह से ठोक के बैठा दें, इसके कुट दी रहती है, कुट को भी लगा दें और इसे मोड़ दें अच्छी तरह से। ये हमारा ट्रांसफार्मर फिर से तैयार हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 12V 012 है, 2A। आप इससे बैटरी चार्जर बना सकते हो इस तरह के ट्रांसफार्मर से। अब मैं इसे कंटिन्यूटी मोड पे चेक करता हूँ फ्रेंड्स।
थोड़े छील लें फ्रेंड्स। इसके बाद मैं कंटिन्यूटी मोड पे चेक करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग नहीं दे रही है, इसमें हल्के फुल्के रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको बैटरी चार्जर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हो।